इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। ऑन द लू स्टोन फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा इट कैन बी सेड दैट। अब ये एसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के फंडिंग, बहुत प्रमाण मिले। तो ये एसआई का जो कंक्लूजन है वही प्रमाण। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर सर, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल। लार्ज हिंदू टेम्पल द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan parts of pre existing temple including pillars and pilasters were reused with little modifications। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट स्टेप नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। ये खंबे जो पिलर्स जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज विद लिटिल मॉडिफिकेशन। मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। माइन्यूट स्टडी ऑफ पिलर्स एंड पिलास्टर्स इन कॉरिडोर सजेस्ट दैट देवर ओरिजिनली पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल फॉर देयर रीयूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर व्याला फिगर्स कार्व्ड ऑन ईदर साइड ऑफ लोटस मेडेलियन वर म्यूटिलेटेड एंड आफ्टर रिमूविंग द स्टोन मास फ्रॉम द कॉर्नर्स दैट स्पेस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिजाइन। दिस ऑब्जर्वेशन इज सपोर्टेड बाई टू सिमिलर प्लास्टर्स स्टिल एग्जिस्टिंग ऑन द नॉर्थ एंड सदर्न वॉल ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर इन देयर ओरिजिनल प्लेस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है।